चार जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिर 5 क्वेश्चन और 5 मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं। अगर इस तरह की रीजनिंग किसी पाठ्यक्रम परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सेकंड में बना के आएंगे। देखिए पूछा जाना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को और 90% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है इस तरह 3196 क्या पूछा गया है, ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटन को पूर्ण भाषा में क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओरल को क्या लिखा गया 3196, यानी ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है और एल कितने नंबर पे आता है तो 12 नंबर पे। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि 1 में 2 ऐड किया है तो कितना हो गया 3। इसी तरह से यहां देखिए 1 लाया है तो 1 में 1 जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। आर यहां देखिए 18 है, 1 में 8 ऐड किया है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह ओ वाला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि 1 में 5 ऐड किया है तो 6 आ जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया, आपको रिटेल लिखना है। क्या लिखना है, रिटेल लिखना है। तो रिटेल में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, रिटेल डब्ल्यू का होता है 23, आर का होता है 18, आई का 9 और उसके बाद याद करके रखना टी का 20, फिर 20, फिर 5 और 9 का हो जाएगा 14, है ना, नाइन का हो जाएगा 14। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे ये यहाँ से 4 है, पहले 5 लिख दीजिएगा फिर 5 लिख दीजिएगा, लास्ट वाले से लेना है 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 का 9 उतार लीजिए, एक डिजिट वाले को एक ही उतारना है, 2 डिजिट वाले में जोड़ देना, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। इस तरह के ऑप्शन आपको कौन से है डी। बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर बीएसएससी हो या एसएससी सीजीएल में आ जाए तो आप बिल्कुल सेकंड में बना सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को ब्रिज कहा जाए और ब्रिज को आसमान कहा जाए तो आसमान को कुहा कहा जाए। देखिए सिंपल पूछा जा रहा है कि फल किस पर फलेंगे, तो फल तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रिज पर फलता है, किस पर फलता है ब्रिज यानी पेड़ में फल पर, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए, ब्रिज को क्या कहा जा रहा है, ब्रिज को आसमान कहा जाए। तो इनका मीन्स है जब ब्रीज को यानी पेड़ को अगर आसमान कह दिया जाए तो इनका मीन्स है कि क्वेश्चन के अनुसार फल आसमान में फलेंगे, कहाँ फलेंगे तो ब्रीज को क्या कहा गया है आसमान, क्या कहा गया है आसमान, अगर कहा गया है तो आपके आंसर हो जाएंगे फल किस पर फलेंगे आसमान पर। तो आप सेकंडो में इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप छोड़ के नहीं आएंगे। हेलो दोस्तों, अगर एनालॉजी का प्रश्न आ जाए और रीजनिंग पूछा जाए तो बिल्कुल आप सेकंड में बना सकते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एल एम एन ओ को एम एन ओ पी लिखा है, सिंपल याद करके रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न को आप सेकंडों में कैसे बनाएंगे तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते। देखिए एल के बाद एम आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है 13 पे, एम 12 पे आता है और ये कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे, एम कितने पे आता है 14 पे और ये कितने पे आता है 15, ओ 15 पे आता है तो 16, यानी एक एक सब में बढ़ा दिया गया, आपको स्टूड करना है। तो एस के बाद हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टी आता है, क्या आता है टी आता है। अब उसके बाद देखिए टी के बाद क्या आता है यू आता है, यू के बाद क्या आता है बी आता है, क्या आता है और डी के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों ई आता है। सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसका सही आंसर होगा एनालॉजी टेस्ट के प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, अगर आसानी से समझ में आ रहा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। बहुत ही सारा मैजिक ट्रिक लेकर आने वाला हूं जो आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाबेट का प्रश्न अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सेकंड में बना सकते हैं। कैसे बनेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को समझिए, बस आपको नंबर याद रखिए। अगर आपके पास नंबर नहीं है कि कौन सा अल्फाबेटिकल वर्ड किस नंबर पे है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग के अल्फाबेटिकल रीजनिंग को देखिए, वहां मैंने आपको इजी वे में सिखाया है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है, आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बनाने का लॉजिक और यूनिक ट्रिक बता रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम की बात करें, अपोजिट आपके दाएं से सात, तो आप सिंपल याद रखिएगा ये सात, ठीक है सात, और क्या बोला बाएं से बारह, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 19। आप जाएंगे दाएं तरफ से तो जी मिलेगा, फिर इधर की तरफ आएंगे तो 12 7 19 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है
तो एस आता है, मैंने लॉजिक से सिखाया था। 19 नंबर पे कौन आता है? एस आता है। आप सेकंडो में बना के आ सकते हैं, बिल्कुल आपको एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए टेस्ट सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाए, सीरीज टेस्ट का, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सेकंडो बना के आ सकते हैं। बस इनका डिफरेंस चेक करना। देखिए यहाँ अगर डिफरेंस चेक करते हैं तो 3 का आता है, यहाँ फिर 5 का, यहाँ इस तरह से डिफरेंस। बस 4 चीजों को याद रखना है, प्लस करके चेक कीजिए, फिर माइनस करके या फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें। अगर इस तरह का काम नहीं करता है तो आप तुरंत स्क्वायर के कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है। तो इसी तरह 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है? 5। 3 कर लीजिएगा उसके बाद सीधे लास्ट में चले जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 10। यहां तक मुझे मिल गया। अब आ जाइए लास्ट में, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते हैं 1 जोड़िए, 50 आ जाएगा। आप आंसर पे आइए। 7 के बाद 8 का स्क्वायर कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 65 आ जाएंगे। आप सेकंडो बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ 5 क्वेश्चन और 5 मैजिक ट्रिक के साथ, जिससे आपकी तैयारी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छी तरह हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।